नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांगलोई विधानसभा में। हमारे आज के खास मेहमान ज्ञान धमीजा जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। ज्ञान धमीजा जी, आपका स्वागत है सर। मेरा आपसे पहला सवाल है, देश में लगातार जो ये कोरोना दस्तक सर दोबारा दे रहे हैं, एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन का बात कर रही है और एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, इसका मेन वजह क्या आप मानते हैं सर? आप समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा कोरोना दोबारा डरा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना अभी जो आंकड़े टीवी पर हम देख रहे हैं, खास और महाराष्ट्र के, कोई महाराष्ट्र हिंदुस्तान से अलग नहीं है। अगर वहाँ बढ़ रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान पर आएगा ही। इसमें डरने की बात तो नहीं है, लेकिन सावधानी होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग वैसे काफ़ी जागरूक भी हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार टीवी पर यह प्रचार हो रहा था कि मास्क आपको पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो शुरू शुरू में तो उसका असर नहीं हो रहा था, लोगों को आदत नहीं थी, नई प्रकार की बीमारी आई थी। अभी क्योंकि 1.25 साल हो गया इस बीमारी से जूझते हुए लोगों को, तो लोग भी कहीं ना कहीं परिपक्व हुए हैं, तो इस तरह की आदत लोगों ने बना ली है कि बार बार हाथ को धोना है, डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है। तो मुझे लगता है कि अब ये इसकी तीसरी लहर हो सकती है कोरोना की, कुछ आगे और भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम थोड़ी और सावधानी, जो हम पीछे थोड़ी सी भूल गए थे, अगर दोबारा उसको हम उसी सावधानी को और तेज़ी से लागू करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोरोना दोबारा वो पहले जैसा होगा। और उसके साथ साथ अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जी, काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और काफ़ी लोगों को लगनी बाकी है और लग भी रही है, तो थोड़ा सा वो भय भी अब नहीं है, क्योंकि उस वक्त अनिश्चित था प्रोग्राम कि वैक्सीन पता नहीं कब आएगी और वैक्सीन का क्या प्रभाव होगा। तो अब लोग जागरूक हैं, टीवी पर देख रहे हैं, काफ़ी लोग लगवा भी रहे हैं, और मुझे लगता है जब से ये कोरोना का खौफ दोबारा से बढ़ने लगा है, तो अब लोगों में वैक्सीन, जो पहले थोड़ी सी लापरवाही कर रहे थे लगवाने में, अब वो लोग जल्दी जल्दी से अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा के वो वैक्सीन लगवाने पे लग जाएंगे, और लगना भी चाहिए। खास तौर से जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है 45 साल प्लस वालों को और 60 साल प्लस वालों को, उनको बहुत जल्दी आगे आना चाहिए इस प्रोग्राम में। और जो है कम से कम वो अपने आप का एक तरह से बीमा करा रहे हैं, अपनी सेहत का बीमा करा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सर, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं, एक तरफ TMC, एक तरफ BJP कांग्रेस, क्या लगता है वहाँ का रुझान इस बार क्या देखने को मिल सकता है सर? आप लोगों को ज़्यादा मालूम है, आप लोग प्रेस वाले हैं, और इस बार जो रुझान है वो बदलाव का है, क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है, 10 साल का राज उन्होंने ममता जी का देख लिया, और उससे पहले दूसरी पार्टी का, और उससे पहले तीसरी पार्टी का। तो अब जो पूरे देश में जहाँ जहाँ BJP का शासन है, तो वहाँ वहाँ मैं समझता हूँ लोग जो है मोदी जी के कायल हैं, और मोदी जी भी खुद इस बार पश्चिम बंगाल में और लगे हुए हैं, जिस ढंग से लगे हुए हैं, तो लोगों का विश्वास है, जितनी भीड़ उमड़ रही है उनकी सभाओं में, और जो प्रोग्राम उनका पसंद कर रहे हैं, और पीछे आपने देखा भी होगा कि लोकसभा चुनाव में भी BJP ने वहाँ बहुत बढ़िया जो है कार्य किया था, और उसके बाद तो कितने सारे लोग आपने देखा TMC के जो बड़े से बड़ी तोप, काफ़ी सारे नेताओं की मैं बात करूं तो वो BJP में शामिल हुए हैं, तो एक रुझान होता है ये। तो क्या ये चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का चेहरा पूरे देश में इस वक्त जो है लोग पसंद करते हैं, और उनके कामों को, उनके त्याग को, और उनके कर्म करने का जो तरीका है, और जितनी मेहनत वो करते हैं, जितना जल्दी सुबह उठते हैं, जितना पूरे दिन में लगे रहते हैं, और वो कोई ऐसा विषय नहीं जो उन्होंने प्रधानमंत्री को छूना चाहिए और वो ना छू रहे हों, हज़ारों चीज़ें हैं। तो आप लोग सभी देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की जो कार्य करने की शैली है, और उनके मंत्रिमंडल की जो पूरी टीम है, तो वो बड़े एक उससे जो है कहते हैं ना, बदलाव जो चाहते हैं देश में जो होना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है, और बंगाल में एकदम से जो है BJP की कम से कम 200 सीटें प्लस आएंगी इस बार। सर, इंडस्ट्री को लेकर बात कर लेते हैं, एक तरफ बढ़ती महंगाई पे आम जनता पे असर पड़ रहा है, पेट्रोल ले लीजिए चाहे आप सिलेंडर के दाम देख लीजिए,
इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछले दिनों में पेट्रोल और केमिकल के जो रेट बढ़े हैं, और इन्हीं केमिकलों से जो है, अब मैं अपनी बात करूं तो हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री है जी, फुटवेयर इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, कम से कम मैं समझता हूं 50% से लेकर 100% तक उसमें तेजी आई है। हालांकि ये बहुत चिंता का विषय है, लेकिन अब क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो समझौते आपको करने ही पड़ते हैं जब देश आगे बढ़ रहा हो, और देश ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हो कोरोना के साथ, देश ने क्या पूरे विश्व लड़ रहा है उसको लो, तो उस हालात में भी हमारे प्रधानमंत्री की जो एक नीतियां थी उसकी वजह से हम जल्दी उभर करके कोरोना से वापस आए हैं और आ रहे हैं और आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और जो है तो ये छोटी मोटी परेशानियां लेकर तो चलती रहेंगी, जब इतना बड़ा संकट हमारे देश के ऊपर था तो हमें मिलजुल कर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, चाहे वो पेट्रोल इंटरनेशनल रेट हैं। अब इसमें तो कोई किसी सरकार का, किसी देश का, किसी राज्य का तो मैं कसूर नहीं मानता, इंटरनेशनल एक पॉलिसी है, उसके तहत ये चीज़ें व्यापार में ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जल्दी इन चीज़ों पर कंट्रोल होगा और वापसी पोजीशन आएगी, हमें ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद आपका ज्ञान दमीजा जी स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात ज्ञान दमीजा जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।